हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। इट्स सो गुड टू सी ऑल योर स्माइलिंग फेसेस वंस अगेन। आज हम बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो कुछ लोग इस टॉपिक को पसंद करेंगे, इस बात को मेरी बात से एग्री करेंगे, और कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए एक हेल्दी डिस्कशन में। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या हमें अपनी पिक्चर्स को एडिट करना चाहिए या इन कैमरा ही उन्हें परफेक्ट लेना चाहिए। सो इसका कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें फोटोग्राफ्स को एडिट करना चाहिए या एडिट नहीं करना चाहिए, और इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ अपने किए हुए एडिट्स शेयर करूंगा आपके साथ। आप देख पाएंगे कि क्या मैं उनको एडिट करता हूं, कितना एडिट करता हूं, और क्या चीजें उनमें करता हूं, उनके बिफोर्स एंड आफ्टर्स में आपके साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस गेट रोलिंग। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है बिफोर डिस्कसिंग कि क्या हमें पिक्चर्स को एडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला क्वेश्चन हमें अपने आप से ये पूछना है कि हम किस तरह के फोटोग्राफर हैं। क्या हम एक फोटो जर्नलिस्ट हैं? अगर तो हम एक फोटो जर्नलिस्टिक अप्रोच से फोटोग्राफी करते हैं, या हम किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए या टीवी चैनल के लिए शूट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने पिक्चर्स को मिनिमलिस्टिक तरीके से एडिट करना चाहिए। बहुत बड़े एडिट्स नहीं करने चाहिए, बिकॉज एक फोटो जर्नलिस्ट का काम रहता है पिक्चर्स को एज इट इज प्रेजेंट करना, जो सिचुएशन थी जहां आपने वो पिक्चर क्लिक किया वहां की करेक्ट इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करना। सो इसलिए अगर आप उन पिक्चर्स को एडिट कर रहे हैं तो आप सच्चाई के साथ, आप ट्रुथ के साथ ऑल्टरेशन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपने देखा भी होगा फोटो जर्नलिस्ट जो आप न्यूज़पेपर्स में पिक्चर्स देखते हैं वो उतनी हाईली एडिटेड नहीं होती हैं, बिकॉज उनका जॉब आर्टिस्टिक अप्रोच दिखाना नहीं, बल्कि पिक्चर्स को एज ट्रू एज पॉसिबल प्रेजेंट करना होता है। अब सेकंड चीज ये सामने आती है कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं या किसी भी अलग तरह के जनरा में आप शूट करते हैं, तो आपके क्लाइंट आपसे ट्रुथ की उम्मीद ना करके एक आर्टिस्टिक अप्रोच की उम्मीद करते हैं, और उस आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए, उस अप्रोच को अपने कैमरा और अपने लेंस से कैप्चर करने के लिए कई बार आपको कुछ चीजों को ऑल्टर करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा इंस्टेंस ये है कि अगर आपके क्लाइंट को चेहरे पे कुछ दाग हैं या पिंपल्स हैं, अब पिंपल्स आर नॉट पार्ट ऑफ समबडीज पर्सनैलिटी, दे आर ए टेम्पररी थिंग, तो डेफिनेटली आपको वो पिंपल्स रिमूव करने चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट देयर फॉर ए लाइफ टाइम, वो थोड़ी देर के लिए हैं, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट के शूट के दिन वो पिंपल्स वहां पे थे, इसलिए आपको उनको रिमूव करना चाहिए। तीसरी चीज सामने ये आती है कि अगर हम पिक्चर्स रॉ शूट कर रहे हैं, और मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूं सबको ही कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल कैमरा पे शूट कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज शूट इन रॉ। जब एक रॉ पिक्चर कैमरा कैप्चर करता है तो उसके अंदर सैचुरेशन, कंट्रास्ट और बाकी चीजें, शार्पनेस की कमी रहती है, बिकॉज आप अपने हाथ में वो क्रिएटिव कंट्रोल रखते हैं, आप अपने कैमरा को ये लिबर्टी नहीं देते कि वो आपके लिए जेपेग्स शूट करके उनको प्री एडिट करके आपके सामने प्रेजेंट करे। सो अगर आप एक रॉ शूटर हैं मेरी तरह, तो डेफिनेटली आपको कुछ हद तक अपनी पिक्चर्स को एडिट करना ही पड़ेगा। अब मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूं, आई एम ए वेरी बिग एडवोकेट ऑफ शूटिंग ए परफेक्ट इमेज इन कैमरा। आप कैमरा के अंदर लाइटिंग को देख के, सिनेरियो को देख के, अपने सब्जेक्ट की प्लेसमेंट को देख के आपको अपना फ्रेम सेट करना चाहिए, और अपने पिक्चर्स को क्लिक करने से पहले इन सब चीजों को अपने दिमाग से, अपने व्यू फाइंडर से एक बार चेक करना चाहिए। बट समवेयर डाउन द लाइन कई जगह पे हम कुछ चीजों को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। लेट अस प्रज्यूम आपके सब्जेक्ट के इस तरफ या इस तरफ एक पोल है या ट्री है जो कि शायद आप फ्रेम में नहीं चाहते, या कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है जो आप फ्रेम में नहीं लेना चाहते, बट ड्यू टू द स्पेस यू हैव, आप जहां पे हैं आप अपने सब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेटली पोस्ट प्रोडक्शन में उस पेड़ को या उस डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा टू मेक इट ए वेरी नाइस एंड प्लीजिंग कंपोजिशन। इसी तरह अगर आप अपने पिक्चर्स को ओवर द टॉप एडिट करेंगे, अब मैं देखता हूं बिगिनर्स यूजली मेक दिस मिस्टेक, दे थिंक कि हम ज्यादा एडिट करेंगे तो हमारे पिक्चर्स ज्यादा पॉप करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना हो तो
एडिटिंग इज लाइक ए गार्निश। अगर आप एक डिश बनाते हैं, अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से उसे बनाते हैं, अच्छी रेसिपी को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो आपको कोरिएंडर से उसे सिर्फ गार्निश करना होता है। अब वो गार्निश उसके स्वाद को, उसके टेस्ट को एम्पलीफाई कर सकता है, बट एक खराब बनी हुई डिश को गार्निश से आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। वैसे ही एक गंदी कंपोजिशन, एक बैड कंपोजिशन या इम्प्रॉपर लाइटिंग यूज करके अगर आपने पिक्चर क्लिक किया है, आप उसको कितना भी एडिट कर लें, आप उसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, लेट अस कम टू ए कंक्लूजन नाउ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप कोशिश कीजिए इन कैमरा जितने अच्छे तरीके से आप अपना इमेज क्लिक कर सकें, बेसिक्स को फॉलो कर सकें, अपनी लाइटिंग का, अपने सिनेरियो का, अपने कंपोजिशन का, अपने फ्रेमिंग का ध्यान रख सकें, जरूर रखें। बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर सराउंडिंग्स। अपने फ्रेम को चारों तरफ देखें, पूरे फ्रेम की चारों तरफ देखें, कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है जिसको आप थोड़ा यहां वहां मूव करके हटा सकते हैं तो हटा लीजिए। अगर आपका कैमरा इन कैमरा पिक्चर अच्छा है, आप उसे हल्की सी थोड़ी सी ऑल्टरेशन से या थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग या एडिटिंग से और एम्पलीफाई कर सकते हैं और एक बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगा होगा। इट वॉज अ वेरी स्मॉल डिस्कशन, बट देन मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं और मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, आप लोगों से बात करना चाहता था, क्योंकि जब आप फोटोग्राफी में स्टार्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कितना अच्छे टूल्स हैं, फोटोशॉप है, लाइट रूम है, जिसमें जाके मैं अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकता हूँ। लेकिन हमेशा एक एक लिमिट के अंदर आप उसे एडिट कीजिए, जितना आपकी पिक्चर को सपोर्ट करे, उसको एम्पलीफाई करे, उसके आर्टिस्टिक विजन को एम्पलीफाई करे, ना कि वो देखने से ही साफ पता चले कि ये पिक्चर एडिट की गई है। मेरे गुरु ने मुझे एक बार सिखाया था कि एक अच्छा एडिट उसे कहते हैं जिसमें एडिटर का रोल या उसका हाथ देखने वाले को नजर ना आए। सो विद दिस मैसेज आई विल एंड दिस डिस्कशन, लेट अस कंक्लूड दिस डिस्कशन। अगली बार हम दोबारा इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ आपके सामने फिर से आएंगे। और अब आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाने जा रहा हूं जिनके के बिफोर्स एंड आफ्टर्स आप देख सकते हैं और खुद जज कर सकते हैं कि किस हद तक की एडिटिंग हमें करनी चाहिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।